कहते हैं आपकी कीमत आपको खुद बनानी है। अगर आप दूसरों से उम्मीद करते हो कि वो आपकी कीमत अंदाजेंगे या आपको अच्छा आपका मोल अंदाजेंगे तो आप गलत सोचते हैं। आपको अपना परख खुद करना है, अपने आप को उस लायक बनाना है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं आदर्श कुमार आपका स्वागत करता हूँ 360 एकेडमी पर। तो शुरू करते हैं आज की क्लास एक छोटी सी कहानी के साथ। एक व्यक्ति बहुत ही परेशान हो चुका होता है, तो वो जाता है अपने गुरु के पास। गुरु से कहता है कि गुरुजी, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मेरी कोई कीमत ही नहीं है, मेरे जीवन की कीमत क्या है? तो गुरुजी क्या करते हैं, उसको एक पत्थर दे देते हैं। उस पत्थर को कहते हैं, जाओ पहले इसको इसकी कीमत पता करके आओ, बाद में तुम्हारी कीमत बताएंगे। पहले भाई पत्थर की कीमत पता कर लो, फिर तुम्हारी कीमत बता देंगे। तो वो जाता है बाजार में एक सब्जी वाले के पास। तो सब्जी वाले से कहता है कि आप इसको कितने में खरीदोगे? तो सब्जी वाला कहता है, ये पत्थर ही तो है, इसका मैं तुमको 1 किलो आलू दे सकता हूँ। तो कहता है ठीक है, लेकिन गुरुजी ने एक शर्त रख दी थी कि बेटा इसको किसी भी कीमत पर बेचना नहीं है, बस आप कीमत अंदाज लो इसकी कितनी है। फिर वो जाता है अगले थोड़े बड़े व्यापारी के पास। तो बड़ा व्यापारी जो राशन वगैरह बेचता है, तो वो कहता है कि मैं इसके बदले में तुझे कुछ अनाज दे दूंगा। फिर कहता है मुझे बेचना नहीं है, आगे दुकान पर जाता है। वो पहुंचता है जो सोनार होते हैं, जो जेवरात बनाते हैं, ज्वेलरीज का काम करते हैं, उनकी दुकान पर जाता है। तो जो सोनार होता है वो उसको देखता है पत्थर को, अच्छे से देखने के बाद में सोचने समझने के बाद कहता है, मैं इस पत्थर का तुझे 1 लाख रुपये दे सकता हूँ। तो व्यक्ति वो आश्चर्यजनक, क्योंकि अभी तक इसके 1 किलो गेहूं या 10 किलो चावल या फिर कुछ छोटी मोटी चीज़ें मिल रही थी, अब वो उसकी उत्सुकता बढ़ जाती है। फिर वो जाता है एक जो जौहरी होता है उसके पास जाता है। अब वो जौहरी जैसे उस पत्थर को देखता है तो वो बड़ी शालीनता से उसको बिठाता है, उसका स्वागत करता है और फिर एक अच्छा सा कपड़ा निकाल कर उस पत्थर को रखता है। पत्थर को रखने के बाद उसको प्रणाम करता है और बहुत आराम से उसको सारी उसकी जो है अरदास करता है। तो बाद में कहता है वो जौहरी कि इस पत्थर की कीमत मैं अपना सब कुछ बेच दूँ, सारी चीज़ें बेच दूँ, तब भी मैं इस पत्थर की कीमत नहीं चुका सकता। अब वो व्यक्ति बहुत परेशान कि अभी तक इस पत्थर की कोई कीमत नहीं थी, अब इस पत्थर की अचानक से कीमत क्या हो गई? तो वो बताता है कि इस पत्थर की कीमत कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि ये बहुत कीमती बेशकीमती पत्थर है, जिसको लाल या हीरा पन्ना जो भी है इस प्रकार का पत्थर है, ये बेशकीमती पत्थर है ये। अब वो जाता है अपने गुरुजी के पास। तो गुरुजी ने पूछा, क्यों क्या हुआ? तब उसने सारा घटनाक्रम बताया। फिर कहा, गुरुजी चलो ठीक है, आपने पत्थर से हमें ये बताया कि पत्थर इतना महंगा था, हर प्रकार अलग अलग व्यापारी ने अंदाजा इसकी कीमत, तो ये बताइए इसका मुझसे क्या लेना देना? तो गुरुजी ने कहा, बेटा तेरी भी कीमत इसी पत्थर की तरह अनमोल है, तेरी कोई कीमत नहीं है, कोई चुका नहीं सकता, डिपेंड ये करता है कि तू अपने आप को कहाँ पर बेच देता है। तो स्वागत है आप सभी का इसी कहानी के साथ में। चालू करते हैं आज की क्लास, पाइप और टंकी। ये रहा आपके सामने सवाल। सवाल में कहा है, देखो इस तरीके सवाल हमने कल भी कराए हैं पिछली क्लास में, तो आप उसको देख लीजिएगा। इसको दूसरा सवाल है, सवाल टाइप एक ही है, तो सवाल पढ़ लीजिए। सवाल में कहा है, एक टंकी में 2 नल ए तथा बी लगे हुए हैं। ए 4 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी में पानी भरता है, तो ये क्या करता है, पानी भरता है, जबकि नल बी भरी हुई टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। तो ये खाली करने वाला हो गया। जब टंकी खाली हो, टंकी क्या हो, खाली हो, जब टंकी खाली हो तब एक साथ दोनों नल खोल दिए जाएं, ये खाली करने वाला बी है, ये भरने वाला ए है, एक साथ दोनों खोल दिए जाएं तो टंकी 120 घंटे में क्या होती, भर जाती है। तो देखते हैं जब बी क्या करता है, बी किसी टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है, ये भाई खाली कर सकता है 40 घंटे में। अगर दोनों चला दिए जाएँ, दोनों ए और बी, तो क्या होती है, टंकी 120 घंटे में भर जाती है। तो 120 घंटे में भर जाती है, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, ये पता कर लेंगे टंकी की क्षमता, सॉरी टंकी में पानी कितना भी आना है, ये 120 के अनुपात में है, ये 120 अनुपात में, तो ये कितना आ गया 120, यहाँ से कर लिया तो 4 3 12, ये कटेगा ना 40 3 120, 120 51 120। अब ये पता चल गया बी जो खाली करता है वो हर घंटे कितना खाली करता है, 3 अनुपात,
वैसे लीटर बोल देते थे लेकिन अनुपात है ये, तो ये कितना है 3 खाली करता है। अच्छा, और ए क्या करता है, ए और बी अगर दोनों साथ में चलते हैं, ये 3 खाली कब करेगा, जब आएगा पानी टंकी में, और ये लगातार कितना डालता है, गेस कर लो, ये 3 लीटर निकाल रहा है और तब भी पानी कितना आ रहा है टंकी में, 1 लीटर। अगर 1 लीटर बच रहा है पानी एक्स्ट्रा, तो इसका मतलब इसने 3 से तो अधिक डाला होगा, 3 से अधिक कितना अधिक डाला, 1 अधिक डाला, तो सीधी बात ए ने कितना डाला है, 4 लीटर डाला, ए ने 4 लीटर डाला है, बी ने 3 लीटर निकाला है, टंकी पानी कितना बचा, 1, कितना बचा, 1। दोनों ने चल, दोनों स्टार्ट हुए, 1 घंटे पानी कितना सेफ हो रहा है, 1 लीटर आ रहा, प्रति घंटा 1 पानी आ रहा है, समझ गए इस चीज को। तो ये पता चल गई हमको ए की क्षमता जो है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ए, क्या है, 4। तो ए की क्षमता कितनी आ गई, 4 आ गई। अच्छा, भरना कितना है, 120, 4 से भाग कर दिया, तो 4 से किया कितना आया आपका, 30 घंटे आ गया। तो 30 घंटे आ गया आपका, फिर क्या 30 घंटे, 30 घंटे में जो है ये, समझो इस चीज को, 30 घंटे में ए क्या कर सकता है, पूरी टंकी को भर सकता है, पूरी टंकी को कितने भर देगा, 30 घंटे में, समझ गए बात। तो 30 घंटे में कौन भरेगा, मान लो ये बी ने बंद कर दिया, ए से कहा तुम स्टार्ट हो जाओ, ए ने कितना समय ले लिया, 30 घंटे ले लिया। और ये भी पता है ए जो है हर मिनट, प्रति मिनट, 1 मिनट में कितना पानी निकाल रहा है, कहाँ गया, 4 लीटर, 1 मिनट में कितना निकाल रहा है, 4 लीटर। तो 1 मिनट में इतना निकाला, तो ये सोचो कि 1 घंटे में कितना निकालेगा, तो 1 घंटे में 1 मिनट है, ये मिनट, देखो मिनट है, यहाँ पर लीटर है, ठीक, तो घंटे में कितना निकालेगा, इतना निकालेगा, ठीक, 60 से गुणा कर दिया, तो ये हो गया घंटा हो गया। अच्छा, अब घंटे घंटे हो गए, ठीक, तो ये सोचो कि 30 घंटे में कितना निकालेगा, तो 30 इधर गुणा कर दिया, फिर 30 इधर गुणा कर दिया, ठीक, तो यहाँ पर कितना हो गया, जो भी है यहाँ पर आपका इधर का गुणा कर लो, तो 6 × 18 = 72, ये कितना हो गया, 7200 लीटर। टंकी की क्षमता जो आ गई वो कितनी आ गई, 7200 लीटर की आ गई, या 7200 लीटर की आ गई। इस चीज़ यहाँ पर अगर ना समझा फिर समझ लो इसको, 1 मिनट में कितना निकाला उसने, 4 लीटर, तो 1 मिनट में इतना निकाल लिया, तो 30 घंटे को डायरेक्ट मिनट में चेंज कर दो, सब मिनट हो गए, तो 6 × 18 कितने आ गए, 1800 आ गए, तो 1800 इधर गुणा कर दिया, ये मिनट था, तो यहाँ आपके 1800 मिनट, और यहाँ भी 1800 गुणा कर दिया, तो सब बन गया क्या आपके लीटर, तो 18 × 72, फिर भी कितना बन गया आपका, 7200 लीटर। चलिए, आपको उम्मीद है सवाल समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जहाँ पर ना समझ में आया फिर से एक बार बैक कर लीजिए। और हाँ, आप लोग पिछली क्लास जो हमने कर दी है, जैसे इसका पार्ट वन हो गया है और बाकी वर्क एंड टाइम पूरा कवर करा दिया है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। शॉर्ट क्लास तो जरूर देखते रहा करिएगा, शॉर्ट क्लास देखते रहा करिएगा और लोगों को शेयर करते रहा करिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं कौन सा है। चलिए, ये सवाल आपके सामने है। देखो, ऐसे सवाल जब मिले तो एक चीज़ ध्यान रखना कि आपको एक डाटा जरूर मेंशन किया होगा, जैसे कि इसमें दिया हुआ है 10 लीटर प्रति मिनट, पिछले वाले सवालों में दिया था 4 लीटर प्रति मिनट, या किसी में दिया था 5 लीटर प्रति मिनट, जो भी दिया होता है 4 लीटर 5 लीटर प्रति मिनट। तो हमको एक चीज़ देखना होता है कि ये जो सी है, या फिर ये जो प्रति मिनट जिसका दिया हुआ है, हम इसी के आधार पर निकाल पाएंगे कि पानी कितना आएगा, कितना टैंक की क्षमता है, कितना खाली हो जाएगा, कितना नहीं है। सारी चीज़ें किस पर आधारित होंगी, इस पर आधारित होंगी। अगर टैंक की क्षमता कोई बताएगा तो यही बताएगा, ठीक है, क्योंकि इसी से हम जान लेंगे कि अगर ये 10 लीटर निकाल रहा, हर मिनट निकाल रहा या हर घंटे निकाल रहा है, तो एक चीज़ जान लेंगे कि अगर 10 घंटे चल जाए तो कितना निकाल देगा, 1 घंटे चल जाए तो कितना निकाल देगा, और मान लो पूरी टंकी कितनी देर में भर देगा, तो पता कर लेंगे। तो पूरी टंकी अगर मान लो 10 घंटे में भरता है, और मान लो एक, ऐसे समझो इस चीज़ को, अगर ये सी 1 घंटे में 1 लीटर निकालता है, 1 घंटे में 1 लीटर, 1 लीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलता है, तो 10 घंटे में कितना, मान लो 10 घंटे में टंकी को भर देता है, तो एक चीज अंदाजा लगा लिए, 10 घंटे में भर दिया और हर घंटे में 1 लीटर निकाल रहा है, तो टंकी में कितना पानी आएगा, कितना आएगा, 10 लीटर आएगा। जैसे ये सी है, फिर समझ लो इसको, सी है 1 घंटे निकाल, 1 लीटर निकाल रहा है हर घंटे में, हर घंटे में 1 लीटर, तो अगर 10 घंटे में टंकी को भर देगा तो पानी कितना आएगा, सीधी सी बात है 10 लीटर आएगा, ठीक। तो हमको किसको निकालना है, सी के बारे में जानना है। चलिए इस सवाल को देखते हैं। सवाल में कहा है टंकी में 3 नल लगे हुए हैं, ए तथा बी 10 तथा 15 घंटे में, 10 तथा 15 घंटे में भर सकते हैं, ये भरने वाले हैं। नल सी के बारे में ये बता दिया है 10 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी निकालता है, जबकि सभी नल खोल दिए जाएं तो खाली टंकी 24 घंटे में भर जाएगी, कितनी देर में, 24 घंटे में भर जाएगी। टंकी की क्षमता ज्ञात करो, यहाँ पर टैंक की फिर कैपेसिटी पूछी है,
तो आप समझ भी गए होंगे, आपने 2 साल पहले कर लिए हैं, तो देखते हैं इसमें क्या है। ए जो है कितने दिन भर सकता है, 10 घंटे में। बी कितने भर सकता है, 15 घंटे में। और तीनों नल अगर चला दिए हैं तो एक खाली करने वाला है और 2 भरने वाला है, तो टंकी कितने दिन भर सकते हैं, 24। तो 24 में क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है, एलसीएम निकालने के लिए यही सार्थक होगी। तो 24 का पहाड़ा पढ़ो, ना पढ़ पाओ तो एलसीएम वाला वो तरीका अपना लेना, बेसिक बेसिक। तो 24 से हमने किया, 5 बार में किया तो कितना आया, 120 आया। 10 से हमने किया डिवाइड, ये तरीका ना पता हो पिछली क्लास देख लेना, बहुत साधारण सा तरीका होता है वो, काट पीट करने वाले, दो दो करके निकालते थे बचपन में, वही है। 10 से किया तो 12 बार में, 15 से किया तो 8 बार में, 24 से किया तो 5 बार में। तो ये है, ये 1 घंटे में कितना डाल रहा है, 12, ये 1 घंटे में कितना डाल रहा है, 8। ये सब लोग चलते हैं तो ये खाली करने वाले हैं और ये दोनों भरने वाले, तब टंकी में पानी कितना जाता है, 5 लीटर। अब देख लो टंकी बना ले, 1 सेकंड। ये टंकी है, ए है, इन्होंने कितना डाला, 12, इन्होंने कितना डाला, 8, इन्होंने कितना निकाल दिया, इन्होंने कुछ भी निकाला, लेकिन ये पता चला हमको कि पानी रिजर्व कितना बच रहा है टंकी में, पानी कितना आ रहा है टंकी में, केवल 5 लीटर आ रहा है। ये 8, 5, 13 डाल कितना रहे हैं, 12, 8 कितना हुआ, 20, समझ गए, ये 12 कितना हुआ, 20। अब 20 लीटर दोनों डाल रहे हैं लेकिन पानी फिर भी टंकी में कितना जा रहा है, 5 लीटर। हर घंटे में कितना जा रहा है, 5 लीटर। अगर हर घंटे में 5 लीटर जा रहा है तो सीधी सी बात, इसने हर घंटे में कितना निकाल दिया, 15 लीटर। इसने 15 लीटर निकाला तभी 5 लीटर बचा, ये क्लियर हो गई। अच्छा, तो ये पता चल गई सी की क्षमता क्या है हर घंटे निकालने की, तो सी की क्षमता हो गई 15 लीटर। हर घंटे निकालने की कितनी क्षमता है, 15 लीटर। तो अगर सी को कहते, मान लो पूरी टंकी सी से कहा भरी है, आप इसको कितने में खाली कर दोगे, तो सी ने कहा हमारी क्षमता 15 है और 15 से भाग कर दो, आपको पता कितना आएगा, 8, 15, ठीक, 120। तो सी ने कहा 8 घंटे में पूरी टंकी जो भरी होगी वो खाली कर देंगे, तो 8 घंटे में खाली हो जाएगी। और ये भी पता है सी जो है, सी हर मिनट, ये प्रत्येक मिनट में कितना पानी निकलता है, 10 लीटर। तो 8 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे, 8 घंटे मिनट हो गए आपके, 8×6 48, 480 मिनट। 1 मिनट में 10 लीटर, तो 480 मिनट में कितना पानी निकाल देगा, पानी 10 से कर दिया तो कितना, 48 के आगे 2 जीरो लगा दो बस, 1 ये 0 1 ये 0, 4800 लीटर। क्या बात समझ में आ चुकी है चीज, आपने ये देख लिया, ए निकालेगा 12, बी निकालेगा 8, दोनों डालेंगे एक साथ चलेंगे तो 20 डालना चाहिए, लेकिन सी ने क्या कर दिया, सी ने केवल 5 ही बचने दिया, सी ने 5 बचने दिया पानी टंकी में, तो इसका मतलब उसने 15 पहले निकाल दिया, ये निकालने वाला 15 निकाल दिया, तो सी की क्षमता पता चल गई कितनी है, 15 से किया 8, तो 8 घंटे में पूरी टंकी सी खाली कर देगा। और हर मिनट में कितना निकाल रहा है, 10 लीटर। 1 मिनट में 10 लीटर, तो 480 मिनट में कितना निकाल देगा पानी, 4800 लीटर। तो पूरी टंकी भरी जो है 4800 लीटर की होगी, तब ये निकाल देगा कितनी देर में, 8 घंटे में। तो टंकी की क्षमता कितनी आ गई, 4800 लीटर। तो आप समझ गए होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा भरोसा है। तो अगले टाइप के सवाल देखते हैं, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आपका अगला सवाल है, अगला टाइप भी है, इसमें टाइप में ये बताया है एकांतर बारी बारी। देखिए आपने पहले वर्क एंड टाइम में बारी बारी पढ़ ली है बहुत अच्छे से, अगर नहीं पढ़े तो फिर कहेंगे एक बार उसको पढ़ लीजिए बारी बारी वाले, क्योंकि बिल्कुल सिमिलर चैप्टर है, सिमिलर सवाल है, सिमिलर टाइप है। एक बार मेहनत उस पर कर लीजिए, इस पर मान के चलिए 30% मेहनत लगेगी, बस आपका कवर हो जाएगा। देखिए कहा एकांतर बारी बारी वाले प्रश्न पर आधारित हैं ये। तो नल ए है किसी टंकी को, अब बारी बारी कैसे वापस समझाते आपको, कि पहले कोई नल होंगे, 2 नल, जैसे एक ये नल है और एक ये नल है, ठीक। ये मान लो 3 मिनट भर सकता है, ये 4 मिनट भर सकता है, ये 5 मिनट भर सकता है, या मान लो खाली कर सकता है, कभी ये चलाया गया, फिर ये चलाया, फिर ये चलाया, फिर ये चला, ऐसा ऐसा करेंगे एक एक करके, 1 मिनट ये चलाया, 1 मिनट ये चलाया, फिर 1 मिनट ये चला, अगले मिनट जैसे ये चल गया, ए चल गया, फिर बी चला, फिर ए चला, फिर बी चला, फिर ए चला, फिर बी चला, फिर ए चला, फिर बी चला, ऐसे चलेंगे। तो देखो बारी बारी मिल रही, एक दिन की बारी, एक दिन की बारी, एक दिन की बारी, ऐसे बी को एक दिन की बारी, एक दिन की बारी, एक दिन की बारी, समझ गए इस चीज़ को। तो अगर मान लो ये भरता है और ये खाली करता है, तो भरना खाली करना, भरना खाली करना, इस प्रकार चलेगा, ठीक। तो सवाल देखते हैं, सवाल में ही समझ लेते हैं सारी चीज़ें, क्यों अलग से मेहनत कीजिए इस पर। सवाल पढ़ते हैं, ए किसी टंकी को 3 मिनट में भर सकता है, जबकि बी उसी टंकी को 4 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नलों को एक एक मिनट की बारी से खोला जाए तथा ए पहले खोला जाए,
तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी, ये सवाल आपके सामने दिया है। तो सवाल को पहले पढ़ लिया हम लोगों ने, है ए जो है वो टंकी को 3 मिनट में भर देता है, कहा ठीक है। बी से पूछा तुम क्या करते हो, तो बी ने कहा खाली कर देते हैं, कितने मिनट में, 4 मिनट में, कहा कोई बात नहीं ठीक है। तो अब दोनों का एलसीएम जब निकाला तो कितना आएगा, 12, ये 3 चक्कू 12 और 4 से क्या 4 3, ये भरने वाला है और ये खाली करने वाला है, एक खाली करने वाला एक भरने वाला। तो एक चीज़ देखना, अब जब बारी बारी चलेगी, कहा एक मिनट की बारी पर, तो पहले ए की शुरुआत हो गई है फिर बी आएगा। तो एक चीज़ देखना, कोई भी हो लास्ट में एक ऐसी स्टेप आएगी, ऐसी चीज़ आएगी कि ए आएगा, मान लो लास्ट में बचा, जैसे 4 लीटर भरता है, मान लो लास्ट में एक इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं, लास्ट में बचा है 2 लीटर पानी भरने के लिए, सिर्फ 2 लीटर, और ए चल गया, ए ने भर दिया तुरंत, और ए की क्षमता भी खत्म नहीं हुई, उसने पानी भर दिया, तो बताओ जब टंकी भर गई तो बी क्यों खाली करेगा, एक ऐसी स्थिति आएगी। या आप ऐसा समझ लीजिए, ऐसे सवाल आपको मिलते होंगे, जैसे एक खंभा होता है और एक बंदर होता है, ये बंदर होता है और इस पर चढ़ता है ये बंदर, और कहते हैं कुछ चढ़ता है फिर खिसक जाता है, चढ़ता है खिसक जाता है। तो आप एक चीज़ समझिए, कहते हैं 1 मिनट में 2 मीटर चढ़ता है और फिर अगले मिनट में वो 1 मीटर खिसक जाता है। तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि बंदर पहुंच जाएगा, मान के चलिए आधा मीटर दूरी बचा या 1 मीटर दूरी पर रह गया, बंदर एक छलांग मारेगा और सीधे चोटी पर आ जाएगा। तो अब बताओ क्यों खसकेगा, एक बार चढ़ गया ऊपर तो क्यों खसकेगा, चोटी पर आ जाएगा। ऐसे ही जब एक बार फुल टंकी भर जाएगी तो क्यों निकलेगा पानी। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, पहले हमने जो ए है, पहले हमने ए का डाटा ले लिया और ए से हमने 4 लीटर भरवा लिए, लास्ट वाला जो यहाँ पर, यहाँ हमने ए का ले लिया 1 मिनट और ए का 1 मिनट ले करके 4 लीटर पानी पहले से भरवा लिया। पानी कितना है, 12 भरना है, 4 लीटर लास्ट वाला जो है वो पहले हमने ले लिया, तो 1 मिनट ए का लगा होगा और 4 लीटर पानी भर गया, तो ए का 1 मिनट ठीक है। फिर क्या होता है, अब दोनों चलते हैं, अब पानी कितना रह गया भरने के लिए, 8। अगर ना इस चीज़ को समझ आए तो एक चीज़ करना, जो भरने वाला हो उसको पहले घटा देना, इसमें से कितना बचेगा, जो बचे वो लिख लेना। अब इस पर सारा काम होगा, जो जोड़े बनाते थे पेयर वो इस पर बनेंगे। तो 1 मिनट ए आएगा, कितना भरेगा, 4। अगले मिनट बी आएगा, कितना भरा उसने, भराने उसने तो खाली कर दिया, कितना खाली कर दिया, 3। अच्छा ये बताओ, 2 मिनट में, 2 मिनट में दो लोगों ने टंकी में पानी कितना पहुँचाया, 1 लीटर। 2 मिनट में दोनों लोगों ने टंकी में पानी कितना पहुंचाया, 1 लीटर। हमको पानी कितना भरना है, 8। ऐसे ऐसे कितने जोड़े ले लें जो हमको 1 लीटर बना के दें, अगर 2 जोड़े ले लें तो 2 लीटर बना देंगे पानी डाल देंगे, 3 जोड़े लेंगे तो 3 लीटर पानी डाल देंगे, ऐसे ऐसे अगर 8 जोड़े ले लें तो पानी हमको 8 लीटर मिल गया पानी। बात समझ में आई, 8 लीटर पानी मिल गया। अगर 8 लीटर पानी मिल गया, हमने जोड़े कितने लिए, 8, एक जोड़े भैया मिनट कितने हैं, तो 1 मिनट ये, 1 मिनट ये, कहाँ सर, 2 मिनट है, तो 8 जोड़े लिए मतलब कि मिनट कितने हो गए, 16 मिनट। तो 16 मिनट में तो आपने 8 लीटर भर दिया, बात समझ लेना, 8 लीटर भर गया। अब यहाँ तक आपका पानी कितना हो गया, 8 लीटर। पानी बचा कितना है, 4 लीटर। नल ए चलेगा, फिर वही बता रहे हैं आपको, फिर नल ए जैसे चलेगा पूरी क्षमता दिखाएगा अपनी और भर देगा इसको, और जैसे भर दिया आप टंकी का ढक्कन बंद। इसीलिए हमने पहले निकाल लिया था ए की क्षमता को, ए जितना भरता हमने पहले निकाल लिया, और सब में आपको यही करना है, जो भरने वाला उसकी क्षमता पहले आप निकाल लो, निकालने के बाद में जो बचे उस पर आप पेयर बना के काम कर लो, ठीक है। चलिए आपका देखते हैं अगला सवाल, जो आप इस चीज़ को अगर समझ चुके हो तो ठीक, अगर नहीं समझे हो, नहीं समझ पा रहे हो तो फिर से इसको बैक कर लेना, और अगला सवाल फिर बताने जा रहे हैं इसी टाइप का, अच्छे समझ लीजिए, चलिए देखते हैं। अच्छा एक चीज़ हो, इसमें देखो आपने 16 मिनट ये लिख लिया, ठीक, 1 मिनट ये था, तो कुल अगर पूछता है कुल कितना देर लगेगा, तो कुल समय अगर लगेगा तो देखो अब यहाँ से 16 मिनट तो ये हो गया, और 1 मिनट आपने पहले ले लिया था ये वाला 1 मिनट, तो 16 और 1 मिनट कितने हो गए, 17 मिनट। तो 17 मिनट में आपकी टंकी क्या होगी, भर जाएगी, ये पूरी टंकी भरेगी 17 मिनट में। देखो पहले 16 मिनट में 8 लीटर भर गई, और 17वां मिनट जब आएगा तो ये कौन चलेगा, ए चलेगा, अपनी क्षमता का प्रदर्शन करके कितना भर देगा, 4 लीटर, और टंकी का ढक्कन बंद, पूरा 12 लीटर पानी आ गया, और समय कितना लग गया, 17 मिनट। अब समझ गए, चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए ये सवाल देखिए, नल ए किसी टंकी को 20 मिनट भर सकता है, जबकि बी उसी टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है,
यदि दोनों नल एक एक मिनट की बारी बारी से खोले जाएं तथा ए पहले खोला जाए तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी। सेम सवाल है, थोड़ा सा डाटा चेंज है, तो उम्मीद है आप सब लगा लेंगे, बाकी हम देख रहे हैं फिर भी। तो देखो, समझाने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, वैसे सवाल ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं ये वाले, लेकिन आपको समझाने के लिए टाइम ले रहे हैं हम इसमें। ए किसी टंकी को, और वैसे फिर आपको बता दें जो कल की क्लास थी, इससे पहले क्लास, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो है ही, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो वाली क्लास। ए किसी टंकी को कितनी देर में भर सकता है? 20 मिनट में। बी कर सकता है, खाली कर सकता है, कितनी देर में? 30 मिनट में। चलिए एलसीएम ले लिया, कितना आया? 60। 20 से किया 3 बार, 3 से किया 2 बार, तो ये आया, देखो ये 3 मिनट, ये क्या करता है 3 लीटर भरता है, मान लेते लीटर, और ये कितना लीटर निकालता है? 2 लीटर निकालता है। ठीक, तो फिर वही बात आ गई कि टंकी को क्या करे किया गया, नलों को बारी बारी चलाया गया टंकी भरने के लिए। तो पहले में क्या किया, जो भरने वाला है उसकी हमने क्षमता निकाल ली डायरेक्ट, तो यहाँ से निकाल ली 3, तो 3 लास्ट वाला निकाल लिया, ए द्वारा 1 मिनट जो लगा वो हमने निकाल लिया, तो 60 में से चले गए 3, 3 लीटर भर दिया इसने आखिरी का, तो बचा कितना? 57 लीटर, अभी 57 बच गया। तो अब ये 57 भरना है, किसको भरना है? पहले ए आएगा 1 मिनट लगाएगा, फिर बी आएगा 1 मिनट निकालेगा, फिर ए आएगा 1 मिनट लगाएगा, फिर बी आएगा 1 मिनट निकालेगा, है ना, तो एक एक मिनट। तो देखो, एक जोड़ा पहला आता है 3 लीटर भरता है, ये 2 निकालता है, कितना पानी जाता है? 1 लीटर। इसने 3 डाला, इसने 2 निकाल दिया, पानी कितना गया? 1 लीटर। अच्छा, हमको भरना कितना लीटर है? 57 लीटर। मान लो 2 लीटर भरने होते तो कितने जोड़े ले लेते? 2। 4 लीटर भरने होते कितने ऐसे ऐसे जोड़े ले लेते जो 1 लीटर पानी देते? तो 4 जोड़े लेते। भरना कितना है? तो 57 भरना है। 57 से क्या किया? 57 51 57, और पानी कितना भर गया आपका? 57 लीटर भर गया। अब आपका 57 लीटर भर गया, जोड़े आपने कितने ले रखे हैं? 57। एक जोड़े मिनट कितने लग गए हैं? 1 मिनट तो इसका लग गया, 1 मिनट इसका लग गया, तो काम निकालने वाले, तो क्या हुआ, 1 मिनट तो लगाया इसने भी, तो 1 1 मिनट दोनों का लग गया। चलिए, तो 57 एक एक मिनट इनका दोनों का लग गया, 57 दूनी एक जोड़े में 2 मिनट, 57 दूनी कितने होंगे? 114। तो 114 मिनट ये आपके लग चुके हैं, ये और 1 मिनट कौन हो गया? ये। तो कुल समय कितना हो गया? 114 + 1, और कितना समय हो गया? 115 मिनट। चलिए, 115 मिनट आपका हो गया, देख लीजिए फिर से समझ लीजिए इसको। 114 मिनट ये लग चुके हैं, 114 मिनट मतलब कि पानी कितना आ गया? 57 लीटर, और 57 लीटर पानी भरने के बाद में पानी कितना बचा? 3 लीटर। ए चलेगा, ए चलकर कितना भर देगा? 3 लीटर भर देगा। तो ये देखो, ये जो हम पहले निकाल रहे हैं ये लास्ट में रहेगा, कन्फ्यूजन होना थोड़ा सा, क्योंकि ये टंकी के जो सापेक्ष में आएगा लास्ट में भरेगा, लेकिन ने पहले निकाल लिया, आगे समस्याएं ना बने। तो इसने 3 लीटर भरा, 57 लीटर बचा, इस 57 लीटर पे काम हो गया, 114 मिनट ये हो गए, और ए का लास्ट वाला मिनट जो ए लास्ट में भरेगा, अपनी पूरी क्षमता दिखाएगा। तो 3 लीटर भरा उसने और पानी भर गया पूरा, 1 मिनट ये और 114 मिनट ये, तो कुल कितना मिनट लग गया? 115 मिनट आपका लग चुका है। चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं इसी टाइप का। चलिए अगला सवाल ये आपका है, ये सवाल आप खुद लगा लेना, आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ए किसी टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, बी उसी टंकी को, ये 12 लिखना था मुझे, 12 मिनट में भर सकता है, और बी उसी टंकी को 15 मिनट खाली कर सकता है। ये दोनों नल एक मिनट की बारी बारी पे खोले जाएं तो ए पहले खोला जाए, टंकी कितनी देर में भर जाएगी, इसका जो भी आंसर आए वो बता देना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगले टाइप का थोड़ा सा इसमें बदलाव होगा। और एक और चीज़ है, आपको जब आप जोड़ा बना रहे हो ए और बी के, तो आपको ये देखना है कि जोड़ा का कंप्लीट हो जाए, भले इसमें एडजस्ट करना पड़ जाए, ये बात आपको अगले सवाल में समझ में आएगी, जो कहना चाह रहा है कि जोड़ा का कंप्लीट निकले। चलिए आगे देखते हैं सवाल में क्या होता है। चलिए ये सवाल है, नल ए किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, जबकि बी उसी को 20 घंटे में खाली कर सकता है, यदि दोनों नल एक एक घंटे की बारी बारी से खोले जाएँ तथा ए पहले खोला जाए तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी। चलिए देखते सवाल में क्या है, देखो थोड़ा सा इसमें बदलाव होगा, ज़्यादा कुछ नहीं खास। तो इसमें ए है कितनी देर में भर सकता है? 12 घंटे में। बी है कितने में खाली कर सकता है? 20 घंटे में। एलसीएम कितना आएगा? तो 20 3 60, 12 5 60, 20 3 60, ये हो गया। अब देखो ए कितना भर रहा है? 5। बी कितना खाली कर रहा है? 3। बी खाली कर रहा, ए भर रहा है,
मान लो एक हमने लास्ट वाला ले लिया और 55 लीटर बच गया, एक दाड़ा ले लेते हैं, तो अगर 55 बच गया आपका, तो एक जोड़ा पहले आएगा ए, एक घंटा लगाया, फिर आया बी, कितना लगाया, एक घंटा लगाया, तो कितना पानी दे दिया, 2 लीटर दे दिया, 2 घंटे में 2 लीटर पानी, तो आपको पानी कितना भरना है, 55, तो 55 के लिए इतने जोड़े क्या ले सकते हैं, तो हम अगर 27 जोड़े ले तो पानी कितना आएगा, 54 आएगा, अभी क्या है, कम है। अगर 28 ले लें, 28 जोड़े अगर ले लें तो पानी कितना जाएगा, 56 लीटर पानी चला जाएगा। अब हमने 56 लीटर पानी भर लिया, 56 लीटर पानी भर लिया, ए से कहा जो आपने सर एक घंटा लगाया था, आप एक घंटा आप एडवांस में ले रहे, उसमें थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, क्योंकि आपका काम हल्का कर रहे हैं, काम थोड़ा सा आप क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो इन्हें कहा कोई बात नहीं। तो पानी कहा पहले कितना हमको भरना था, तो हमने कहा आपको पहले 5 लीटर आपको ठेका दिया था, अब कितना रह गया, अब 4 लीटर रह गया, क्योंकि 56 हमने जोड़े से भरवा लिया, क्योंकि जोड़े वाली बात यही बताई थी, जोड़ा कन्फ्यूज ना हो। तो 28 दूनी 56 पानी आ गया, और 28 जोड़े आपने लिए, हर जोड़े में कितना घंटा है, 2 घंटा, तो 56 घंटे भी इधर हो गए, बात समझिएगा, 56 घंटे ये हो गए। अगर मान लो यहाँ 5 बज जाता तो ए पूरा क्षमता लगाता और 1 घंटे 5 भर देता, लेकिन पानी कितना बच गया भरना, 4, ए आएगा अपनी 5 क्षमता के साथ, ए के द्वारा लिया गया समय, ए के द्वारा समय जो लगा, तो समय कितना लगा, 4/5 घंटे, तो आपका कुल समय कितना हो जाएगा, 56 घंटे ये हो गया, 4/5 घंटे ये हो गया, तो 56 + 4/5 घंटे, या ऐसे कह सकते हो 56 + 4/5 घंटे जो है टंकी को भरने में समय लग जाएगा। चलिए बिल्कुल सेम सवाल एक और देखते हैं, बाकी आगे की बातचीत। चलिए सवाल इसको पढ़ लीजिए जल्दी, थोड़ा सा फास्ट करते हैं। ए किसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, जबकि बी उसी टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक एक घंटे की बारी बारी से खोले जाएं तो टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा। चलो देखते हैं जल्दी से, ए जो है क्या कर सकता है, 15 घंटे में भर सकता है, बी क्या कर सकता है, 24 घंटे में खाली कर सकता है। इनका एलसीएम कितना होगा, तो 24 × 5 कितना आएगा, 120, 15 × 8 = 120, तो ये एलसीएम आ गया, 15 से काटा 8 बार, 24 से काटा तो 5 बार, ये खाली करेगा कितना 5, ये भरेगा कितना 8, दोनों अगर एक साथ चलें एक एक घंटे पर चलें, तो ए आया 1 घंटे लगाया, बी आया 1 घंटे लगाया, इसने 1 घंटा, इसने 1 घंटा, दोनों पानी कितना गया, तो 8 इसने भरा, 5 ने खाली कर दिया, पानी कितना गया, 3, तो पानी 2 घंटे में पानी कितना पहुंच रहा है, 3 लीटर पहुंच रहा है। अच्छा इसको हम निकाल दें, अगर इसमें से अगर निकाल दें तो कितना बचेगा, 112, तो 112 ये बचेगा, 112 अगर ये बचता है तो हम यहाँ पर 112 के अकॉर्डिंग जोड़े ले लें। तो एक चीज देखो आप, 3 लीटर पानी जा रहा है, कितनी देर में जा रहा है, 2 घंटे में जा रहा है, तो हम ऐसे ऐसे कितने जोड़े ले लें जो इसके पास पहुँचे, तो ऐसे ऐसे हम जोड़े ले सकते हैं, पॉज करो, तो 2 घंटे में पानी कितना जा रहा है, 2 घंटे में पानी जा रहा 3। अब इसको फिर से समझ लिए अच्छे से थोड़ा सा, 2 घंटे में पानी 3 लीटर जा रहा है और हमको कितना भरना है, 138, तो यहाँ पर हम 37 जोड़े ले ले, मान के चलिए 37 जोड़ ले, 3 × 7 = 21 का 1, 3 × 2 = 9, 2 = 11, कितना गया, 111, तो पानी क्या हो गया, कम हो गया। तो पानी को कम नहीं, इसमें क्या करना है, पानी अधिक भले भर जाए, क्योंकि बाद में इससे कॉम्प्रोमाइज़ करा लेंगे, इससे कहेंगे जो आपको लास्ट का 1 घंटा दिया है, 1 घंटा उसमें से आपने 8 लीटर पहले निकाल दिया, तभी तो 12 आया, तभी तो 112 आया, तो हम इससे कॉम्प्रोमाइज़ करा लेंगे, इससे समझौता कर लेंगे, कहेंगे आपका थोड़ा सा काम हल्का कर देंगे, तो हम डायरेक्ट कितना ले लें, 37 न लेकर 38 जोड़े ले लें, 38 जोड़े हम ले लिए ये, तो 38 जोड़े, तो 38 जोड़े में पानी कितना चला जाएगा, 3 × 8 = 24, 114 लीटर, 114 लीटर पानी यह चला, भर गया पानी, इन जोड़ों ने 114 लीटर पानी भर दिया, 114 लीटर भर दिया, तो पानी बचा कितना, तो पानी बचा 6 लीटर। तो फिर ए के पास गए, कहा सर आपको जो 1 घंटा दे दिया था एक्स्ट्रा, उसमें आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, थोड़ा आपका आसान हो जाएगा। कहा पहले हमको कितना भरना था, कहा 8, तभी तो 112 बचा था, लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता थे, टीम थे, उन लोगों ने 114 पहले भर डाले हैं, आपके हिस्से में कितना आ रहा है, सिर्फ 6 लीटर, तो 6 लीटर कौन भरेगा, ए भरेगा, इसकी क्षमता कितनी 8 है, तो ए के द्वारा सचमुच का जो समय है वो कितना लगेगा, 2 से काट दो, 2 से कटा 3 बार, 2 से कटा 4, तो 3/4 घंटे लगेगा, 3 घंटे का चौथा हिस्सा लगेगा, किसके द्वारा, ए के द्वारा, तो ए के द्वारा सचमुच कितना समय लग गया, 3/4 घंटा, 3/4, 114 ये हो गए, 114 लीटर पानी भर दिया। अच्छा 114 लीटर पानी भर दिया है, और कितने जोड़े लिए 38, अब एक जोड़े मिनट कितने हैं, सॉरी घंटे कितने, तो एक जोड़े में घंटे जो हैं 2, तो 38 × 2 तो कितना हो गया 76, और वो कितना हो गया,
3/4, तो इसको ऐसे ले सकते हैं 76 सहित 3/4 घंटे कुल समय ये लग गया। इसको फिर से समझ लीजिए जल्दी से थोड़ा सा। ए ने क्या किया है, 8 भरा है, इसने बी खाली किया 3, क्या कर लिया हमने 3 निकाल लिया, क्योंकि सचमुच तो 3 ही आएगा 2 घंटे में 3 आएगा। अगर 38 जोड़े ले ले तो कितना पानी चला जाएगा, 114 लीटर पानी भरने में हमने कितने जोड़े ले लिए 38, अब एक जोड़े घंटे कितने हैं 2, तो सचमुच घंटे कितने बन गए आपके 76, यहाँ पर कितने घंटे बन गए 76 घंटे ये बन चुके हैं। अगर 76 घंटे ये बन चुके हैं, फिर हमने देखा पानी कितना भर लिया 114 क्यों भरा, क्योंकि 120 हम डायरेक्ट नहीं ले सकते थे, क्योंकि वो समस्या थी खाली करने भरने फिर भरने फिर खाली करने, तो हमने 8 लीटर पहले निकाल लिया था इस वजह से हमने कितना भरा है उसका ए से कॉम्प्रोमाइज करा देंगे। अब ए से कहेंगे 114 लीटर भर गया, आपको 8 न भर के कितना भरना है 6 भरना है, तो अपनी क्षमता दिखाओ, तो उसने कहा हमारी क्षमता है 8, तो 6/8 किया, थोड़ा सा कट गए 2 से यहीं पर, तो सचमुच कितना आ गया 3/4 घंटे आ गए। ए ने कितना समय लिया लास्ट में, ये समझो कि लास्ट में यहाँ तक टंकी आपकी भर गई, ऐसा थोड़ा सा ए से हमने पहले कहा था कि आपको यहाँ तक पानी भरना है 8 लीटर, ठीक, लेकिन टीम ने क्या किया 114 लीटर भर डाला, पानी कहाँ तक भर डाला यहाँ तक भर डाला, अब पानी कितना बचा 6 लीटर। ए को तो वैसे ही चलना था, ए भरेगा अपनी क्षमता से 8 की क्षमता से, तो 6 लीटर पानी भरने में कितना समय लगा लेगा 3/4 घंटे लगा लेगा, तो ए के द्वारा लिया गया 3/4 घंटे, और ये कितने हो गए 76 घंटे, 76 प्लस 3/4 तो 76 सही 3/4 घंटे, ये आपका क्या गया आंसर आ गया। उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, अगर आपको पसंद आई अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जो भी आपको करना है कर दीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर करिए, थोड़ा सा परिवार अपना बड़ा कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगली क्लास में।